गाइस, क्या हाल चाल है? गुड मॉर्निंग। सैटरडे आज उठ गए हैं। टाइम 6:30-7 बजे होंगे एक्चुअल, मतलब 6:40-45 का हुआ होगा। उठते ही मैं नारियल पानी जब लास्ट में होता हूँ तो बिल्कुल छोड़ देता हूँ ये। अब नारियल पानी ले रहा हूँ कि थोड़ी बॉडी में जान बनी रहे। ठीक है, चलेंगे थोड़ी देर में जिम चलेंगे, क्योंकि आज शाम को मैंने मंदिर जाना होता है। मंगल और शनि को मंदिर जाता हूँ मैं ज़्यादातर, तो इसलिए आज पहले अपना जल्दी से वर्कआउट कार्डियो वार्डियो करके शाम को जल्दी कराना है, ताकि मंदिर जा पाऊँ। बाकी मिलते हैं आपको व्लॉग में। कुछ ना कुछ डालता रहता हूँ। मुझे ऐसा भी लगता है बोर भी हो जाते होंगे, पर कुछ दिन की बात है, थोड़ा सा साथ दे दो फिर भाई न्यू कंटेंट लेके आया करेगा। अभी मेरी लाइफ ऐसी हो रखी है, जिम जाना आना वर्कआउट, मैं कहीं नहीं जा रहा, कहीं भी नहीं जा रहा। इसलिए बाकी कोशिश करता हूँ कुछ ना कुछ न्यू दिखा सकूँ। बस मेरा ये होप रखा करो, अपना व्लॉग पूरा देखा करो। 5-6 मिनट का मैं स्टोरी डालता हूँ, ताकि तुम्हारे भाई को कुछ आर मिले और सपोर्ट मिले, मेरा पेज जल्दी से मोनेटाइज हो जाए, समझ रहे हो? इसलिए जो भी डालता हूँ ना, मेरे जितने भाई प्यार करने वाले हैं, प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ उनसे, अपने भाई का पेज वीडियो को लाइक करा करो और वीडियो पूरी देखा करो 5 से 6 मिनट की। ज़्यादा बड़ी बनाता नहीं मैं। थैंक यू गाइज। ये फर्स्ट मील ऑफ द डे है। बच्चों ने बोला कि भैया अभी क्या खा रहे हो वो दिखाओ, तो मेरी फर्स्ट मील है 10 अंडे व्हाइट और 2 येलो। ठीक है, ये ग्रीन मिंट सॉस है, इसके अंदर नमक नहीं है कुछ भी, पुदीना और उसके ये स्वाद आ जाए बस। नमक मैं बिल्कुल कम डालता हूँ, ऊपर से डालता हूँ, अलग से डालता हूँ, ऐसे नहीं डालता। ठीक है, इसके साथ एक प्रोटीन की चम्मच पीऊँगा। ये पहली मील है, दिन की 6 मील है। मील में थोड़ा चेंजेस दिखेगा, दिखाऊंगा पूरे दिन की 6 मील क्या रहती है। फुल डे ऑफ ईटिंग। सेकेंड मील ऑफ द डे है, जिसे मैंने आपको बताया, मैं बताऊँगा। वेजीज और चिकन, 180 ग्राम मैं चिकन लेता हूँ। ठीक है, और 150 ग्राम वेजीज होंगे। तो ये मेरा सेकंड मील ऑफ द डे है। बाकी डाइट में कुछ चेंजेस हैं, इसमें नमक डालता हूँ ऊपर से, मैं वैसे नहीं डालता। उबला हुआ चिकन है, इसमें 180 ग्राम चिकन है और 150 ग्राम वेजीज हैं, देख लो आप। हाँ जी गाइस, क्या हाल चाल है? जैसा कि मैंने आपको बोला था, मैं किसी ब्रांड के साथ जुड़ने जा रहा हूँ, तो ये मेरे को प्रॉपर स्टैक भेजा है, मंथली स्टैक है स्टैटफिस्ट वालों ने। बाकी मेरे जो भी भाई पूछते हैं कौन सा ब्रांड लूँ, तो स्टैटफिस्ट बेस्ट है, आप ले सकते हो। देखो मैं बताता हूँ मेरे को क्या क्या भेजा है इसमें, मंथली खोल लें इसको। काफी सारी पन्नियां, सबसे पहले उनका शेकर आया है, राइजिन का शेकर है। ठीक है, बाद में दिखाएंगे। ये आया है, पैकिंग काफी अच्छी कर रखी है देखो उन्होंने। ये L49 है, ये L49 भेजा मैंने स्टेडफिस्ट का। ये उनका वाउचर है, ये उनका फिश ऑयल भेजा है स्टेडफिस्ट वालों ने। ये उनका सप्लीमेंट का पैकेट है, आइसोलेट प्रोटीन के पैकेट हैं, ये सब भेजा है। देखो गाइज, LRG9 नहीं आया, वो आउट ऑफ स्टॉक था, वो आ जाएगा कुछ दिन में। तो ये प्री वर्कआउट के पैकिंग ऐसे है, जो सिंगल नहीं ले जा सकता ना, तो ऐसे ले जा सकता है। देखो वो उसी के अंदर था। ठीक है, मैं यूज़ कम करता हूँ, कम मंगाया। बाकी आइसोलेट के पैकेट हैं, प्रॉपर मंथ का स्टैक है ये एक पैकेट नहीं, काफ़ी सारे पैकेट हैं। देखो पैकिंग बहुत अच्छी है, अब कोई अपने साथ नहीं ले जा सकता सिपर विपर में, एक पैकेट उठा ले जाओ और बढ़िया। बाकी मैं आपको पी के भी दिखाऊंगा कैसा है ये, इसका स्वाद क्या। गाइस ये मैंने ट्राई किया है, मानना ट्रस्ट करना, बहुत अच्छा फ्लेवर है, ब्लेंड भी अच्छे से हो रहा है। और जिसको ये परचेज़ करना है ना, तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। डिस्काउंट किससे मिलेगा? आप ऐसे जाओगे इस पर ऑर्डर करोगे तो नहीं मिलेगा, अगर उसमें डालोगे माई स्टेड हितेश एस कैपिटल आएगा। ठीक है, अब वो डालोगे तो प्रॉपर आएगा। बाकी मैं लिंक आपका इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पर डाल दूंगा, जिसको भी परचेज़ करना हो कर सकता है। एक बार भाई के कहने से ट्रस्ट करके लेके देखो, खूब मजा आएगा, और आपके बजट के अकॉर्डिंग ये है। गाइस ये मेरी थर्ड मील ऑफ द डे है। ठीक है, सेम वही है, बाकी जो दो मील होंगी वो चेंज होंगी, मैं दिखाऊंगा आपको कैसी है। ये 180 ग्राम चिकन है और वेजीज हैं साथ में, देख लो आप। ठीक है, 3-6 मील होती हैं, 3 हो गई हैं, 3 बाकी मैं करता हूँ वर्कआउट के बाद, दिखाता हूँ जिम चल के आपको। जी गाइस, क्या हाल चाल है? आ गए हैं जिम, वर्कआउट करेंगे स्टार्ट। पहले कार्डियो, पहले 1 घंटा कार्डियो करूँगा आज मैं, फिर चेस्ट ट्राइसेप मारूंगा और फिर कार्डियो करूँगा, जिससे कि होगा बॉडी टूटती नहीं है। मूड सा सही सा नहीं लग रहा आज, पता नहीं क्यों अंदर से, पर बाकी बस चाल है। दाढ़ी फिर बड़ी हो गई है, अभी नहीं कटवाएंगे, गेम के आसपास कटवाएंगे, फिर लुक अलग सी लगती है ना, अभी जो ग्रोथ हो रही है होने दो, अब स्टेज पे चढ़ेंगे तो ही कटवाएंगे, अब कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कार्डियो करके वर्कआउट करूँगा, फिर करूँगा वापस कार्डियो, छोटी छोटी क्लिप्स बनाते रहेंगे आपके लिए।
पर अपना यही है, अगर कोई बच्चा बोल रहा था उसको जिम दिखाने के लिए, आज मैं खुद कोशिश करूँगा कि आपको अपनी पूरी जिम दिखाऊँ, कौन कौन सी मशीन है, क्या क्या है मेरे पास। गाइस ये ट्राइसेप कर रहा हूँ, मैं चेस्ट कर चुका हूँ, वीडियो ना काफ़ी लंबी हो जाती है इस चक्कर में दिखा नहीं पाया मैंने चेस्ट की ना, वैसे ही वर्कआउट करी है कटिंग के अपने हिसाब से करी है। ये ट्राइसेप मैं 3 मिनट में दिखा रहा हूँ, देख लो आपको, पहली पुश लगा रहा हूँ, दूसरी लगा पहली पुश जाऊँगा भी और तीसरी रोप्स लगाऊंगा, मैंने 3 दिखाई है। ज़्यादा बड़ी वीडियो करो फिर बंदा बोर सा हो जाता है ना, तो इस चक्कर में आके आज की वीडियो काफ़ी सारे आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, अलग अलग चीज़ें, वीडियो पूरी देखना आप। बाकी देख लो पंप, देखो भाई का कैसे आएगा। इस वर्कआउट के बाद मैंने थोड़ा सा पोजिंग करने की कोशिश करी है, देखो कैसे खींच के मारूंगा ये ऐसे तगड़े होके। बाकी तगड़े उनको ध्यान दो, पूरी डाइट लो और गंदे लगो, बंदों से नेगेटिविटी से दूर रहो। गाइस क्या हाल चाल है, वर्कआउट कर लिया है, चेस्ट और ट्राइसेप कर लिया है, अभी मेरा 13,000 स्टेप हुए, 5,000 स्टेप रहते हैं बाकी। मैं अपनी मील ले रहा हूँ पहले, ये मैंने बोल रहे ना कुछ चेंजेस है, ये मील है फिश और वेजिस, 200 ग्राम फिश लेता हूँ मैं, साथ में वेजिस लेता हूँ। ये मेरी फोर्थ मील है, 2 मील मेरी अभी भी रह रही है, चाहे मैं रात को 2 बजे खाऊँ, अब मैं जाके 12 बजे और 2 बजे खाऊँगा, मैं मील अपनी पूरी लेता हूँ। आँखें देख रहे हो कैसी हो रखी है, चढ़ी चढ़ी सी, पूरे जो डेली का टारगेट होता है मैं पूरे करता हूँ, चाहे कैसे भी करूँ, थकावट कितना भी हूँ। गाइस क्या हाल चाल है, 5,000 स्टेप रह गए थे तो सोचा कर लूँ, पूरे करने होते हैं 18,000। बाकी आपको देखेगा, आप लोग पूरा देखोगे तो देखोगे कि मुझे स्टेडफास्ट ब्रांड मिली है, मुझे मंथली स्टैक मिला है, मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ, पहले मैंने किया है और अब मैं करूँगा। तो जो भी मेरे भाई लेना चाहते हैं, भाई के कहने पे यूज़ करके देखना, बढ़िया रिजल्ट आएगा। मैं भी कटिंग पे हो तो मेरा आइसोलेट ही सारा ऐसा सामान आया है, बाकी इनके हर कोई प्रोडक्ट है, LRG9, LCAT9, जॉइंट्स पेन, मल्टीविटामिन, फेशियल, सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको, इनकी साइट पे जाओगे और इतने मेरा कोड डालना जो है उससे अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं घर चल के। हाँ जी गाइस क्या हाल चाल है, ज़्यादा और बड़ी वीडियो लास्ट की मैं मील आपको ऐसे बता देता हूँ, क्योंकि फिर ना मुझे ऐसा लगता है कि सैटरडे नाइट है, अब मैं काफ़ी सारे बंदे हैं जो मेरे फ्रेंड सर्कल में कोई सोया नहीं होगा तो उनको वीडियो मिल जाएगी, क्योंकि मेरी मील है 2 बजे तक, 2 बजे खानी है, मैं क्यों आपको परेशान करूँ, कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी अपलोड कर दूँगा वीडियो। तो लास्ट मील जो मेरी 60 मील है वही ऐसे है, 180 ग्राम चिकन है और वेजीज है, पूरी 6 मील बता दी। कोई भी भाई जो वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है वो फॉलो कर सकता है, हाँ जो वेजिटेरियन है वो मील में, किसी मील में आप स्प्राउट्स ऐड कर सकते हो, किसी मील में पनीर ऐड कर सकते हो और मशरूम, ये सब ऐड कर सकते हो, क्वांटिटी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मील की क्वांटिटी छोटी छोटी, 6 मील जब बनती है जब आप थोड़ा थोड़ा खाओगे और हर 2.5-3 घंटे के आप में खाओगे, ठीक है। और जो नॉन वेजिटेरियन वो मेरे जैसे सेम ले सकते हैं, पर वो मेरे तो 0 कार्ब्स हैं, तो आप इसमें कार्ब्स में जैसे पूरे दिन में 400 ग्राम ऐड कर सकते हो, जैसे मान लो किसी में 200 ग्राम ऐड कर लिए पोटैटो और किसी में 150 से 200 ग्राम ऐड कर लिए वाइट राइस, जो करना चाहता है, मेरा तो प्रेप है इसलिए मैं 0 पे चल रहा हूँ, कोई कर सकता है 6 मिल। बाकी मेरा मानना है अगर आप ये सब खा रहे हो ना तो साथ साथ पानी जितना ज़्यादा 5 से 7 लीटर जितना ज़्यादा पियोगे ना तो आपकी बॉडी में गर्मी नहीं बनेगी, मतलब ज़्यादा लंबे टाइम तक कर पाओगे आप, ठीक है। कि होता है क्योंकि हमारी बॉडी ना रिस्पोंड अलग, हम किसी को बॉडी को ज़्यादा गर्म देंगे या कुछ देंगे ना तो बॉडी गलत रिस्पोंड करने लग जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी इस टाइप से बनी नहीं है, हमारा बचपन से जो हमारा खाना रहा है ना वो रहा है अलग टाइप का, स्पाइसी खाते हैं इंडियन, तो हमें नमक भी ज़्यादा खाना होता है, तेल मक्खन, तो हमारी बॉडी यूज्ड टू हो जाती है। तो मेरे साथ नहीं सबके साथ ये है, तो मैं 108 से आगे 878 पे आया हूँ, तो वो मेरे लिए आसान नहीं, मेरे को 6 महीने लगे, समझ रहे हो, मेरा आधा साल मेरा हो गया जब जाके आया है, और अगर मैं ख़राब करने में आऊँगा मुश्किल से 15 दिन लगेंगे, मैं वापस गुलमूल हो जाऊँगा। पर इस बार तुम्हारा भाई ऐसा करेगा नहीं, यूट्यूब स्टार्ट किया है ना तो मैं नहीं चाहता कि मेरे को जो पब्लिक देख रही है मुझे बहुत जल्दी अनफिट दिखे। हाँ थोड़ा बहुत 5-7-10 किलो वेट बढ़ेगा, पर थुल थुल नहीं होऊंगा, ये आपसे वादा है मेरा, ठीक है। बाकी फिट ही देखेंगे जब तक रहेंगे, व्लॉग यहीं एंड करते हैं। मेरे साथ मैंने आपको बताया ब्रांड आ गई है, स्टेडफास्ट के नाम से है, कोई भी यूज़ करना चाहे यूज़ कर सकता है, मैं मुझे ब्रांड मिली इसलिए मैं उसकी तारीफ़ नहीं कर रहा, अच्छी ब्रांड है, HIF जो है अपना शेरू क्लासिक होता है उसका ब्रांड है, वैसे मतलब वो ही उसको करते हैं, ऑर्गेनाइज़ करते हैं, तो सोच लो कितनी बड़ी ब्रांड होगी, काफ़ी सारे बड़े एथलीट जुड़े हुए हैं, तो तुम्हारा भाई भी जुड़ा है इसके साथ, जो भी लेना कर लेना चाहे मेरा कोड यूज़ कर सकता है, मैंने आपको कोड भी बताया, बाकी मैं उसमें डाल दूँगा अपना कोड सा जो है, आपको अलग से डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी ज़्यादा बड़ी वीडियो ना ख़त्म करते हुए सैटरडे नाइट ही बंद करते हैं।
और आपको अपलोड करके दिखाते हैं कि वीडियो में क्या क्या है। नेक्स्ट डे कल संडे है, संडे आपको स्पेशल रहेगा, बोर नहीं करूँगा संडे में। कहीं ना कहीं जैसे मैं जाऊँगा, स्टीम लेने भी जाऊँगा, वर्कआउट करने भी जाऊँगा, हर चीज़ आपको दिखाऊँगा। बाकी कल मैं वेज डाइट भी बता दूंगा, जैसे वेज डाइट में मैंने अभी आज लिया तो वेज डाइट में कल क्या चेंज कर सकते हैं, प्रॉपर कितने ग्राम्स ले सकते हैं, कितना क्या है, ताकि कोई जो मेरे वेजिटेरियन भाई है वो भी ले सके। बाकी मिलते हैं, गुड नाइट, हैव अ नाइस डे, चलो।